एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन, ये दिया हुआ है। एफ डैश एक्स क्या होगा? टू एक्स प्लस ए। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए सो दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए सो दैट फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए सो दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस। इस इंटरवल पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। ए की लिस्ट वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। ए की लिस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा एक बात बताओ, ये एफ डैश एक्स है, मैंने इसको जी एक्स मान लिया एक सेकेंड के लिए, ठीक है बच्चों, मैंने इसको जी एक्स मान लिया। अब इस पहले वाले पार्ट को भूल जाओ, इतने पार्ट को भूल जाओ, सिर्फ मान लो ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। जी डैश एक्स क्या होगा? जी डैश एक्स क्या होगा? जी डैश टू आ गया, ग्रेटर देन जीरो है ना, जीरो ग्रेटर देन जीरो है, जी डैश एक्स जीरो से बड़ा है। जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो से बड़ा होता है तो फंक्शन क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसका मतलब जी कैसा है? जी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जी एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये बात सबको क्लियर हुई कि जी फंक्शन कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यस सर। ओके एंड जी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। ऑल राइट अच्छा एक बात बताओ, जी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इंटरवल दिया आपको वन से टू का, इस इंटरवल पे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, राइट अच्छा क्वेश्चन को पढ़ो, प्रूव दैट फंक्शन, नहीं क्या था, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए फंक्शन को एफ एक्स को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए? जीरो से बड़ा, यानी कि टू एक्स प्लस ए क्या होना चाहिए? जीरो से बड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। एफ डैश एक्स टू एक्स प्लस ए है, ये जीरो से बड़ा है, तो इसका मतलब ये होगा कि जी एक्स जीरो से बड़ा है ना? जी एक्स, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा आपको, जी एक्स जीरो से बड़ा है, जी एक्स जीरो से बड़ा है और यहाँ आ गया जी एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है। जी एक्स जीरो से बड़ा है तो इस लाइन से मतलब ऊपर ही होगा, ऐसे ही होगा, कुछ इंक्रीजिंग भी है तो ऐसे होगा, होगा कि नहीं होगा? ये जो एरो लगाई है एरो मत लगाना, बाकी सारा बनाना। जी एक्स अगर आप कुछ ऐसा होगा, समझे, तो जी एक्स की जो सबसे कम वैल्यू, जी एक्स की जो सबसे कम वैल्यू होगी वो वन पे होगी और हाईएस्ट वैल्यू टू पे होगी जी एक्स की, है ना? देयरफॉर ये बात समझ आई, जी एक्स की जो सबसे कम वैल्यू है वन पे होगी इतनी और हाईएस्ट वैल्यू टू पे होगी, ये जी टू और ये जी वन है, ये वैल्यू यहां से यहां तक, समझ आया ये बात? जी की लोवेस्ट वैल्यू कहां पर है? लेकिन जी पॉजिटिव तो है ना, जी पॉजिटिव तो है ना, तो फिर जी वन भी क्या होना चाहिए? जी वन भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर जी फंक्शन पूरी तरह पॉजिटिव है, कहीं भी नेगेटिव नहीं है, तो अपनी सबसे कम वैल्यू पे भी जो इसकी सबसे कम वैल्यू है वो भी पॉजिटिव होगी। जब जी फंक्शन पूरा ही पॉजिटिव है तो इस जी फंक्शन की जो सबसे कम वैल्यू आएगी वो भी पॉजिटिव होगी। हाँ सर। और जी की जो सबसे कम वैल्यू हो सकती है वो जीवन हो सकती है, जीवन से छोटी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है।
जीवन पॉजिटिव है, एक ही दो वैल्यू आएंगे ना, वो तो बात की बात है बेटे, अभी इधर सुनो। जीवन, जीवन क्या आएगा देखने, यहाँ से 2 × 1 + a > 0, a > -2, ठीक है, ये क्या होगा -2 से बड़ा, ओके सर, देखो आंसर देखो, हाँ सर यही दिया है। हाँ सर मैं लीस्ट वैल्यू में लाइक -1.9 डैश कर सकता हूँ। रिपीट, माइक पर नजदीक करते, लीस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ ए निकालना, तो -1.9 ऊपर डैश लिख सकते क्या आंसर की तरफ? नहीं, लीस्ट वैल्यू माइनस 1.9 क्या होगी, कैसे होगी? 1.9 ऊपर डैश, 9 के ऊपर डैश, वो ऊपर में, हाँ ये लिख सकते क्या लीस्ट वैल्यू का? हाँ ये लिख सकते हो, हाँ ये लिख सकते हो। वैसे ना क्वेश्चन देखो, सबके बुक में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा है क्या? ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड ही गलत है, इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो मेरे में इंक्रीजिंग होना चाहिए, वर्ड ही गलत है वहां पर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बजाय इंक्रीजिंग होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में तो फिर बता नहीं सकते ऐसे, इंक्रीजिंग होगा तो ये बन जाएगा, तो लिस्ट वैल्यू ऑफ ए क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी। अभी तो ये लिखना होगा कि ए इज ग्रेटर देन -2, ये -2 से बड़ा है, तो लिस्ट वैल्यू क्या हुई अनिरुद्ध? ये वाला आपका गलत है, माइनस ए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला था ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 ये वैल्यू 2 से बड़ी नहीं होती है, ये वैल्यू 2 से बड़ी नहीं होती है। अच्छा। मैंने वो ध्यान नहीं दिया था कि यहाँ ग्रेटर देन 2 है, ठीक है ना, ग्रेटर देन -2, हाँ मतलब ग्रेटर देन -2 -1.9 तो देखो ना ये -2 है, आप कहते हो x क्या होना चाहिए 1.9 बार होना चाहिए, इसका मतलब तो हो गया 1.9999999, मतलब आप कह रहे हो ये होना चाहिए, मतलब तो क्या आप कह रहे हो कि ये होना चाहिए, है ना? बात तो आपकी भी वैसे थोड़ी थोड़ी ठीक है, ठीक कह रहे हो आप, सही कह रहे हो, माइनस एच पे ठीक है। बच्चों ये एक्सरसाइज खत्म करोगे, क्या टाइम हो गया? हो गया सर टाइम, हाँ हो गया, 3 मिनट रहते हैं। अरे सर एग्जाम्पल 13 करोगे और एग्जाम्पल 12 भी करोगे, बाकी एग्जाम्पल भी करोगे, वो दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ टेस्ट का बताओ तुम्हारी, टेस्ट कब दोगे? मंडे, संडे को तो कहाँ दे पाओगे? मंडे सर, मंडे, संडे नहीं, मंडे नहीं, मंडे नहीं, मंडे से पहले दो, मैं टेस्ट का बताता हूँ तुम्हें, ठीक है ना? टेस्ट ऑफलाइन देना है, ऑफलाइन देना है, क्या 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 आएगा? इन्वेस्टिगो, इन्वेस्टिगो की फर्स्ट एक्सरसाइज, यस सर, फर्स्ट, तुम्हारे स्कूल में सेकंड नहीं आ रही दिवेश एंड ये जान, तो भी उस टेस्ट के लिए थी, तो वही खाली सर यूटी के लिए थी, लेकिन मेन पेपर में नहीं आई। और क्या था? डिफरेंशिएशन, हाँ जी, ये दोनों पूरा दूंगा, मतलब ये फर्स्ट एक्सरसाइज और डिफरेंशिएशन कंप्लीट जितना भी सिलेबस में है, ओके सर, एक दो दिन में ही रखूंगा मैं टेस्ट, अपना रिवाइज कर लो टाइमिंग में, ठीक है सर, और ऑफलाइन देने आना, ओके सर, ठीक है, ऑफलाइन देने आना, चलो ठीक है, ओके सर, ओके।